कहते हैं ना वो बड़ी पुरानी कहता है बहुत बढ़िया डॉक्टर है यार वो इतना अच्छा डॉक्टर है, जस्ट टेक्स 5 रुपए लेता है बस, पैसे नहीं लेता कितना क्यों, वो डॉक्टर पैसे नहीं लगा उसको बुरा लगने लगा। मतलब जो चीज़ अच्छी है आप उसको अच्छा तभी कहते हैं अगर वो सस्ती भी है। जिंदगी में ये याद रखिए कि आपको आपकी वैल्यूएशन आपके काम से है। माय वाइफ रूपाली और मैं, हम लोगों ने डिसाइड किया वी विल चेज द मॉनसून, जब कन्याकुमारी में हिट करेगा तब हम होंगे, और उसके बाद इस पूरे साल अलग अलग टाइम पर हम लोग पूरे देश में घूमेंगे अलॉन्ग विद द मॉनसून। जिंदगी में ना एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करिए कि आप सदैव मूल्यवान रहें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जो व्यक्ति हैं उनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, वो अलग बात है वो मुझे आज ही जान पाए हैं, आज हम पहली बार मिले हैं, लेकिन बचपन से ये सोचा था कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठूं जो थोड़े सॉर्टेड हो लेकिन साथ ही साथ उनको जीवन के डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स भी आते हों। आपने इनके फूड वीडियोज़ तो देखे होंगे, लेकिन आई वॉज वेरी वेरी सरप्राइज जब मैंने 1-on-1 बैठ के सर से उनकी मेंटल क्लियरिटी के बारे में बात की। और एक बात जो मुझे सबसे अलग सर लगी वो है आप कितना पॉजिटिव हैं, आप एंटायर बिलीफ सिस्टम आपका जो है ना वो, जैसे आपने कहा ऑफ कैमरा कि भाई किसी और के बारे में सोचने से अच्छा मैं अपने बारे में और अपने जो गोल्स हैं उसके बारे में सोचूं। तो एज अ फैन मेरा एक बिलीफ तो आज पूरा हुआ कि आपसे मिला हुआ। तो सर इसी से शुरुआत करते हैं, बिलीफ सिस्टम कैसे डेवलप होता है सर ये? तो सबसे पहले नमस्कार, स्वागत है आपका, स्वागत है आप सबका। बिलीफ यानी यकीन है ना, धारणा, इच्छा, देखिए उसको आप ला रहे हैं, आप किस चीज़ में यकीन रखते हैं। बहुत ज़रूर है, ज़रूरत है ज़िंदगी में किसी चीज़ के बारे में यकीन रखना, क्योंकि जब आप यकीन रखते हैं तो फिर आप खुद करते हैं, किसी और को आपको प्रोत्साहित नहीं करना पड़ता, किसी और को आपको याद नहीं दिलाना पड़ता जगाने के लिए। कहते ना, यू डोंट नीड एन अलार्म फॉर डूइंग थिंग्स दैट यू बिलीव इन। तो बहुत ज़रूरी है, और कोशिश यही है हम सब की कि एक तरह से होता है ना, धारणाएं ऐसी बन जाती हैं कि हम लोग सोचते हैं कि बिलीफ सामूहिक होना चाहिए, कि चार लोग जैसे सोचें वैसी अगर आपकी समझ है तो ठीक है, अलग समझ ना करो तो। और मन में हम दुखी रहते हैं, यहाँ करना पड़ रहा है, ऐसे शब्दों का जब इस्तेमाल करते हैं, हाँ करना पड़ रहा है यार, ये ना करें क्या करें, देखो सब कर रहे हैं, अब ये सब के साथ मैं जुड़ा हूँ और मैं दुखी हूँ। लेकिन जब आप बिलीफ के साथ जीते हैं, देन यू आर प्राउड ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, आप उसको उतनी शिद्दत से करते हैं, आपके लिए वीकेंड नहीं होता। मेरा हमेशा मानना है कि जो फूल है, पत्ते हैं, कोई हम सब वी ग्रो ऑन ऑल डेज, तो देयर आर नो वीकेंड्स फॉर अस। तो आप जब अपनी बिलीफ, अपनी जिस चीज़ में आप यकीन रखते हैं उसकी जब आप ज़िंदगी जीते हैं तो आपके अंदर पैशन रहता है, यू आर एक्साइटेड अबाउट इट। सर पैशन जो ये शब्द है सर जी, ये बड़ा, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो मुझे ये बड़ा कंफ्यूज करता है शब्द, क्योंकि कभी कभी पैशन ढूंढना एक नेवर एंडिंग गेम है जी। मान लीजिए जिंदगी तो सीमित है सर जी, और जब तक हम कोई चीज़ ट्राई नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि हम उसमें अच्छे हैं या बुरे, लेकिन ट्रायल भी कितने करे जाए जी। तो सर इस बारे में कुछ बताएं लोगों को। तो सबसे पहले बता दूं कि जो पैशन या बिलीव जो भी है, वी हैव ऑल टू पे आवर बिल्स। बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसा कुछ ना करेंगे जिससे आपके बिल के पैसे नहीं आ रहे, बहुत ज़रूरी है। राइट, जो पैसा है वो एक रियलिटी है, आप बैंक में जाके अपना पैशन दिखाकर आप कुछ नहीं ले पाएंगे, कोई सामान खरीदना है तो यू मस्ट हैव द, एंड दैट इज द आर्टिस्ट्री ऑफ लाइफ आकर्षण। मज़ा और आर्टिस्ट्री और क्रिएटिविटी इसमें है कि मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, अब किस तरह से मैं उस चीज़ को इस तरह से करूँ जहाँ पर किसी और को उससे प्रभाव हो और फिर वो उसके लिए पैसा देने के लिए तैयार हो। तो यू एक्चुअली, मज़ा ज़िंदगी में ये है कि जब आप अपने हुनर से यू कैन मेक अ डिफरेंस टू अदर्स, और जब when you make a difference to others, that is when others pay you. Right. तो आपको अपने हुनर, अपने पैशन से अपने हुनर को इस तरीके से एलिवेट करना है कि आप किसी और की ज़रूरत पूरी कर पाएँ, आप एक प्रोफेशनल हो पाएँ, और उसके बाद
उससे आप आय कर पाए। बिल्कुल। और एक बार आप उससे आय करने लगे, अब उस आय के साथ आप आपकी जिंदगी चल रही है, दैनंदिन की जिंदगी चल रही है, अब साइड में कुछ और करिए विच अगेन यू आर पैशनेट अबाउट, जिसके लिए जरूरी नहीं कि उसमें भी मुझे पैसे मिल रहे हों, लेकिन पैसा कमाना एक बहुत ही जरूरी चीज है। और सर सोसाइटी ने मतलब ये पैसे कमाने वाली चीज को बड़ा डीमोनाइज किया है। लोग कहते हैं नहीं पैसे की बात है, लालची आदमी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसके बिना कैसे कुछ पॉसिबल है? क्लैरिफाई क्यों कर रहे हैं आप? हाँ, ये बात भी है, ये भी चीज जो सब कुछ दिख रही है, जो लोग देख रहे हैं या जिस यंत्र से देख रहे हैं सर, उसके पैसे लगते हैं, पैसे लगते हैं। कहते हैं ना वो बड़ी पुरानी कहता है बहुत बढ़िया डॉक्टर है यार, इतना अच्छा डॉक्टर, जस्ट टेक्स 5 रुपए लेता है बस, पैसे नहीं लेता, कितना क्यों वो डॉक्टर पैसे नहीं लगा उसको बुरा लगने लगा, मतलब पीपल ओवर चार्ज, वो सब की बात नहीं कर रहा, पर मैं कह रहा हूँ कि ऐसी क्या वजह है कि जो चीज़ अच्छी है आप उसको अच्छा तभी कहते हैं अगर वो सस्ती भी है। सो हैव द कैपेसिटी टू पे फॉर थिंग्स, एंड फॉर दैट अगर आपको कोई चीज़ खरीदने की अगर आप में काबिलियत होनी है तो आपको कमाने की भी काबिलियत करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, कमाने से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे दिमाग में आता है कि यूजुअली 95% जो लोग हैं उनके लिए कमाने का मतलब होता है कि दे ट्रेड देयर टाइम फॉर मनी, वो कहीं पे बैठते हैं कुछ घंटों के लिए, अपना समय देते हैं, उसके आगे से पैसा लेते हैं और फिर आते हैं पाले के उस तरफ। आप जैसे लोग जो कलाकार हैं, आपने एक एक्सपर्टीज पे काम किया, उस एक्सपर्टीज में धीमे धीमे माहिर अपने को माहिर बनाते रहे और फिर धीमे धीमे उसके साथ आपका इफ आई मे से पेमेंट भी इंक्रीज होता चला गया। तो लेकिन सर ये दोनों जो जिंदगियां हैं ये बिल्कुल अलग तरीके के लोगों के लिए है कि कोई भी ट्रांजिशन कर सकता है, या मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर, कई लोग 9 to 5 में होंगे सब। तो मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ, कोई भी आपको घंटों के लिए पैसे नहीं दे रहा, उन घंटे आप क्या कर रहे हैं उसके पैसे दे रहा, मतलब हर एक को पैसे मिलते हैं हुनर के लिए। तो ऐसा दुनिया में कोई नहीं है, इधर आ जाओ ये 2-3 घंटे के पैसे नहीं मिल रहे जी, उसको 3 घंटे में अपने हुनर से कुछ काम करने के पैसे मिल रहे हैं। तो किसी में कोई फर्क नहीं है, मैं अभिनेता हूँ शायद, और मैं एक मोटिवेशन स्पीकर भी हूँ ओके, मैं एक ट्रैवल व्लॉगर भी हूँ ओके, मैं अब स्टैंड अप कॉमेडियन भी हूँ ओके, इन तीनों ये चारों या पांचों या छहों चीज़ों में मुझे लोग मेरे घंटे के पैसे नहीं दे रहे, मेरे हुनर के पैसे दे रहे हैं। जैसे आप यहाँ बैठकर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आपका जो प्रोफेशन है आपको थोड़ा ना 8 घंटे जाने के पैसे मिल रहे हैं, ये लोग कह कह के अपने को थका लेते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, हम सबको अपने हुनर से हम अगर कुछ कर पाए उसके पैसे मिलते हैं। जैसे मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल अभी दे रहा हूँ, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और अगर आप ध्यान से देखें मैं दोनों हाथों को उठा के बात कर रहा हूँ, ये हाथ का बटन बंद है, ये हाथ का बटन खुला है, और कैमरामैन सर मुझे काफ़ी देर से बता रहे हैं इसको भी बंद कर लो। अब मेरी मर्जी में नहीं करूँगा यार, समझ रहे हैं, मतलब इस पर हम बाद में भी आएंगे जी। पॉइंट ये है कि जिंदगी में ये याद रखिए कि आपको आपकी वैल्यूएशन आपके काम से है, तो कोई भी वो चाहे जितना भी निम्न आप अपने काम को समझ रहे हो, कहते हैं ना कि बाकी सबका 9 to 5 जॉब है, आप एक्टर हैं, ये अब आप बता रहे हैं, आप हमारे अगर हम घंटों की बात करें मैं दिक्कतें बताऊं बड़ी लंबी बात हो जाए, मैं नहीं बात करना चाहता। I'm 59 years old, Akarshan, and I'm passionate about work. मैं amazing काम करने का शौकीन हूँ और कई बार इतना ज़्यादा कर देता हूँ कि मेरा एक थकान से मैं उठ नहीं पाता हूँ, गड़बड़ है, दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा। अभी कुछ ही दिनों पहले मैं जिस दिन मेरा 59th बर्थडे था, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग हम एक कर रहे हैं कि जैसे मैंने कहा मैं कई चीज़ें करता हूँ, आई लव टू मैरी आइडियाज़, तो बचपन से मेरी एक इच्छा थी कि मैं मॉनसून्स को चेज करूं। ओके, इंटरेस्टिंग। तो पहले ना लोग आते थे, पूरे देश के लोग, वर्ल्ड के लोग आते थे और कन्याकुमारी केप कॉमरेड के पास अपने कैमरास के साथ रहते थे, एंड व्हेन द मॉनसून यूज्ड टू टच इंडिया उसके तस्वीरें खींचा करते थे। तो मैं बचपन में इसे पढ़ा करता था, मेरे ख्याल से इलस्ट्रेटेड वीकली में, नेशनल ज्योग्राफिक में, कहाँ कहाँ पर इसके बारे में पढ़ा करता था। तो मैंने कहा कभी जाऊँगा, तो इस साल माई वाइफ रूपाली और मैं, हम लोगों ने डिसाइड किया वी विल चेज द मानसून, जब कन्याकुमारी में हिट करेगा तब हम होंगे, और उसके बाद इस पूरे साल अलग अलग टाइम पर हम लोग पूरे देश में घूमेंगे अलॉन्ग विद द मानसून। लेकिन उसमें हमने एक ट्विस्ट किया,
तो पूरे दिन तो हम ब्लॉग करेंगे जब भी जिधर भी रहे, हमने कन्याकुमारी से बात शुरू हुई, केरल में गए एंड ऑल दैट, पर हर शाम उसको एक ट्विस्ट दिया। तो अभी जैसे 31 मार्च को मैंने अपनी स्टैंड अप कॉमेडी की जर्नी शुरू की, राइट, हाँ हम उसके बारे में जरूर है ना। तो मैं बता रहा हूँ जस्ट मैरिंग आइडियाज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है मैं जा तो रहा हूँ, तो दिन भर व्लॉग करने के बाद शाम को हम लोग किसी कैफे में पहुँच जाते हैं, किसी के घर पहुँच जाते हैं, किसी कैसी जगह जहाँ पर लोग बैठे हैं उनको पता भी नहीं है कि हम आ रहे हैं, और वहाँ आकर मैं उनके साथ इंटरेक्ट करता हूँ और मैं उनके साथ एक अंश अपने स्टैंड अप कॉमेडी का परफॉर्म करता हूँ। नाउ इसको इसको हमने नाम दिया है रेनिंग स्माइल्स। रेनिंग स्माइल्स मतलब बारिश की बौछार, हंसी की बौछार हम पूरे इंडिया में करें। क्या हमने कन्याकुमारी से शुरू किया है, कश्मीर तक पहुंचेंगे, इधर कच्छ से लेके हम अरुणाचल तक पहुंचेंगे। द पॉइंट दैट आई विश टू मेक इज, मैं कह सकता हूँ हाँ यार वो 12 दिन मेरे को काम करना है, या मैं कहूँ यू नो आई एम गोइंग टू एड वैल्यू इन दैट टाइम, तो आपका एनर्जी लेवल अलग हो जाएगा। एब्सोल्युटली, यू नो एंड दैट्स द अमेजिंग पार्ट। एंड ये भी आपको बताऊंगा, हो सकता है आप ज्यादा कर दिए, इस बार मैंने ज्यादा कर दिया था, इतना ज्यादा थक गया था 8 दिन के बाद, मैं 2 दिन एकदम पड़ा सा रहा क्योंकि मैं हिल नहीं पा रहा था। सो जरूरी है एक फितूर रखना। सर एक थोड़ा सा आपके एक्टिंग वाले फेज में एक बार चलते हैं सर, क्योंकि बड़ा मैंने भी बहुत सारी मूवीज आपकी देखी और मल्टीपल लैंग्वेज, मुझे हमेशा कंफ्यूजन होता है क्या आपको इतनी सारी भाषाएं आती हैं? बिल्कुल नहीं आती। तो ये कैसे? मैं 11 भाषाओं में काम करता हूँ, जैसे 3 भाषाएं भाषा बोल लेता हूँ, हिंदी, अंग्रेजी और बंगला जी, बाकी 8 भाषा मैं नहीं बोल पाता। मैंने एक तरीका निकाला है जिसमें मैं जिस तरह से एक्ट करता हूँ मेरा लिप एकदम परफेक्ट रहता, तो किसी को यकीन नहीं होगा कि मैं भाषा नहीं बोल पाता। हाँ क्योंकि सर ये बड़ा एक, ये खैर आपके इतने लंबे एक अभ्यास का भी हिस्सा है, तो वो तो इतनी जल्दी कवर करना मुश्किल पॉसिबल नहीं है, लेकिन सर इसमें मुझे समझ में आता है कि बीइंग ओपन टू, जैसे मान लीजिए आज मुझसे कोई बोल दे कि आप मलयाली में इंटरव्यू कर दो किसी का, तो मैं साफ मना कर दूंगा, भाई मुझे तो आती ही नहीं है, लेकिन आप इतनी सारी भाषाओं में काम कर पाए जस्ट बिकॉज, क्योंकि आपका वही बात है ना, ट्राइंग न्यू थिंग्स तो फाइंडिंग वेज टू डू इट। या देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे कहते हैं ना यार कुछ भी कर सकता है इंसान, कुछ भी वो करो जो तुम करना चाहते हो। जैसे मुझे, मैं एवरेस्ट नहीं चढ़ा हूं और मैं एवरेस्ट नहीं चढ़ना चाहता हूं। बीच में था मेरे को यार मैं ट्रैकिंग करना पड़ा, मेरे को बड़ा कॉन्सेप्ट बड़ा कमाल लगा, उसके बाद निकला ट्रैकिंग करने, मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आया यार, बहुत थक गया मैं, मजा नहीं आता मेरे को। मैं आप समझ आ रहे हैं? जी जी जी। अपने को जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं मैराथन दौड़ते हैं, मैं मैराथन के बाद उसी डिस्टेंस को मैं गाड़ी में जा रहा है, मेरे को मैराथन में मजा नहीं आता जी। या किसी को स्कूबा डाइविंग हो, लोग को स्पिरिचुअल लगता है, मैंने भी स्कूबा डाइविंग की जी, बहुत इंटरेस्टिंग है। मुंह के अंदर से आप ऐसे रखते हैं और मुंह से सांस लेते हैं, नाक से छोड़ते हैं जी। भाई साहब इट वॉज द मोस्ट टेरिफाइंग एक्सपीरियंस। मैंने कहा गलती से अगर मैं छींक के नाक से ले लूँ मेरा तो जिंदगी खत्म, बंदा मरा कैसे, छींक आ गई उसको पानी के नीचे, बहुत डेंजरस चीज। आप समझ रहे हो? इट इज, है ना। तो जरूरी नहीं है जो दूसरों को अच्छा लगे वो आपको भी लगे। आप समय बिताइए वो करने में जो आपको अच्छा लगता है, एंड फाइंडिंग वेज टू डू इट, वो हुनर है। सर थोड़ा सा आप जब आप फिल्मों में बहुत एक्टिव थे, अभी भी हैं, लेकिन तब आप बैक टू बैक बहुत सारा काम कर रहे थे, फिर एकदम से आपने करियर अपना चेंज तो नहीं बोलूँगा लेकिन ट्रांजिशन किया, आप जैसे नई नई चीज़ें और करने लगे, अभी आप स्टैंड अप में आ गए, ये आ गए, तो ये कहीं ना कहीं क्रिएटिव साइड को सेटिस्फाई करने के लिए है कि अपनी तरफ कि ये है कि ये भी कर लूँ ट्राई करने के लिए कि एक ही जिंदगी है, सब पे हाथ रख लेता हूँ इधर उधर, कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए है, कि ये क्या है बेसिकली, ये कि सबका मिक्स है, क्या है? सही जवाब। अच्छा, सबका मिक्स है। अच्छा, एक जवाब मत दीजिए अपने बारे में जी, जो मर्जी आए करिए। जैसे मैंने कहा कि अब कोई मुझे कहता है कि आप पहले बहुत फिल्में करते थे अब कम करते हैं, मैं उसको भी सुन लेता हूँ जी। वो अलग बात है, पिछले साल 6 रिलीजेस हुए जी, इस साल अभी तक कुछ 4 रिलीजेस हो चुके हैं, 2 और रिलीज आ जाएंगे। मैं फिल्में भी करता हूँ, मैं मोटिवेशनल टॉक्स भी देता हूँ, मैं स्टैंड अप कॉमेडी भी करता हूँ, मैं हर रोज व्लॉगिंग भी करता हूँ। मैं मतलब मेरे दो चैनल्स हैं, एक का नाम है आशीष विद्यार्थी एक्टर व्लॉग्स यूट्यूब पर, दूसरे का नाम है 50 प्लस जिंदगी, दोनों का अलग अलग कंटेंट है।
और इंस्टाग्राम पे मैं फूड रील्स भी करता हूँ, वो तो बहुत फेमस है तो और साथ साथ मैं कुछ कॉन्वर्सेशंस करता हूँ लोगों के साथ ऑनलाइन, जिससे कुछ कोर्सेज बना रहा हूँ जिससे लोग उन कोर्सेज से अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली ला सकें। ये सब चीज़ें क्योंकि मैं करना चाहता हूँ जी, देयर इज़ मोर टू मी, और यही मैं लोगों को मैं लोगों से ये शेयर करता हूँ, अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो देखिए मैं एक अभिनेता हूँ ना, तो अभिनेता घबरा जाता है कि जैसे उन्होंने कहा पहले आप एक्टिंग करते थे, नहीं मैं अभी भी कर, नहीं घबराओ मत, वो कह रहे हैं पहले एक्टिंग करते थे आप, सुनिए हाँ जी, और अभी भी कर लेता हूँ और अब ये भी करता हूँ और ये भी करता हूँ। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अगर आप एक नौकरी कर रहे हैं आपको लगेगा अरे नौकरी करते हैं तो अच्छा आजकल कुछ साइड का, नहीं साइड का नहीं, बस ट्राई करो, ट्राई मत करो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जी, मेरा हरा चश्मा है जी, ट्राई करिए उसे उठाना, ट्राई करिए, ट्राई नहीं है तो उठेगा नहीं उठेगा, थैंक यू सो मच। तो जिंदगी में ट्राई बोल के कोई चीज नहीं है जी, हम लोग ट्राई कहते हैं क्यों, कि अगर गिर गए ना फिर गए, नहीं ट्राई कर रहे थे, नहीं कहे कहो किया मैंने, डिड नॉट वर्क आउट, अब तुम्हारे ऊपर है उसको दोबारा करना चाहते हो या छोड़ के कुछ और करो, पर ट्राई करके अपने को बचाओ मत, इसलिए मैं करता हूँ। अभी मैं आपसे इंटरव्यू देखता हूँ यार, नहीं देखता हूँ, नहीं मैं कर रहा हूँ। सर ये जो आपने बोला ट्राई करो जी और फिर देखो, इसमें सर मुझे तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ इश्क से, तो इश्क के बारे में क्या सोचते हैं सर? बहुत जरूरी है जिंदगी में प्यार होना, मैं आकर्षण में अपने बारे में समझ पाया हूँ कि मुझे प्यार से प्यार है, वाह बहुत मुझे प्यारे लोग, मैं प्यार करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है जी। एक होता है ना कि ऐसे ही खड़े हो गए आप इससे बात कर रहे हैं, बढ़िया दोस्त से बात कर रहे हैं, अपनी जीवन संगिनी से बात कर रहे हैं, बच्चे से बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग कुछ इंटरव्यू, मुझे बहुत प्यार है इस पूरे वार्तालाप से, जिस जोन की हम बात कर रहे हैं। अगर आप मेरे से यहीं पर अगर एक सवाल पूछिए, बताइए बजट के बारे में आपका क्या कहना है, मैं कहूँ क्या भाई, मतलब नहीं है समझ, पर जिस चीज़ से आप प्यार करते हैं उससे प्यार करिए और घबराइए मत प्यार से। क्योंकि सर इफ आई मे, मैंने रिसेंटली आपके बहुत सारे पोस्ट फॉलो किए जी, और लोग आपके पर्सनल जीवन को लेकर कमेंट्स करते हैं, आप भी पढ़ते होंगे या नहीं भी पढ़ते होंगे, वो आपकी अगेन पर्सनल चॉइस है जी। तो सर जैसे अभी आपने अपनी लाइफ में भी आपने एक नए रिश्ते में आ पाए, तो लोगों ने बोला होगा ये वही जो बात है कि इस एज में क्या हो रहा है, तो आपने कैसे उस चीज़ को देखा और कैसे आपने उस चीज़ को परसीव किया, और उस बारे में अगर बात करना चाहें तो जैसे जब मैंने जब मेरा डिवोर्स हुआ और उसके बाद मैंने शादी की, दोनों ही पक्ष में कई लोगों ने कमेंट किया जी कि इस उम्र में है ना, अब यही आप याद रखिए कि उनका पूरा अधिकार है कि वो अपने सवालों को रखें, दुविधा है सोचें उसके बारे में, अपने कमेंट्स करें, पर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मेरी जिंदगी में क्या कट रहा है वो जानने के, बिल्कुल ठीक बात, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मेरी खुशी के लिए मैंने क्या सोचा है। और जब आप थोड़े समझदार हो जाते हैं, आपकी खुशी सिर्फ आपकी नहीं होती, चाहे वो दिखे कि इस आदमी ने सिर्फ इस खुशी के लिए किया है, लेकिन जानिए कि चीज़ कुछ बड़ी है, बढ़िया, और उस सबको मैनेज करके कोई आदमी बाहर निकला है, समझ आ रहे ना? बिल्कुल। लोग जब घबरा जाते हैं, कह रहे तुम कहोगे मैंने अपने लिए किया है, किसी को आपको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, जान लीजिए आपके भी आसपास कुछ लोग आपको कुछ करते हुए दिख रहे हैं। याद रखिए ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते। अब करिए अपनी बात। तो जब मैंने देखा कि मेरी ज़िंदगी कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करके मैं खुश रह सकता हूँ, तो मैंने वो स्टेप लिया, और वो आपकी चॉइस थी। नॉट जस्ट दैट, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, न जाने कितने पर्सनल कमेंट्स आए जब लोगों ने कहा कि वी आर सो हैप्पी दैट यू आर टेकिंग अ कॉल फॉर योरसेल्फ। देखिए हम कहते हैं ना कि इस उम्र में ये इस उम्र के जो मजाक है वो बचपन से हो जाता है, बच्चे को कहा जाता है इस उम्र में तुम ये सोच रहे हो, बड़े को कहा जाता है इस उम्र में तुम ये सोच रहे हो, एज इफ सांस लेने का भी या सपने देखने की भी लोग बोलेंगे कि तुम तभी देख सकते हो। मुझे कईयों को बोलना पड़ा कि यार प्लीज़ मेरी ज़िंदगी का रेजिग्नेशन लेटर तुम मत लिखो, तुम्हारी ज़िंदगी तुम अपनी तरह से जी रहे हो सराखों पर। बिल्कुल, मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ अपने तरीके से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करके।
इसीलिए जब आप अपने रिलेशनशिप्स या अपनी ज़िंदगी को एक ऐसे अनूठे ढंग से जीते हैं जिनको शायद लोगों को समझ ना आए, लोगों को समझाने की दरकार नहीं है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कीजिए और खुल के जीने से ना शर्माइए मत। मुझे सर पहले मैं ऑनेस्टली आपसे बताऊं, मैंने सोचा कि कुछ ऐसे आपसे कंट्रोवर्शियल सवाल पूछूं जिससे हमारी थोड़ी रील बन जाए। फिर मैंने देखा, रिसर्च किया कि आपसे कंट्रोवर्सी निकाली नहीं जा सकती क्योंकि एक जगह किसी ने आपसे पूछा था कि बॉलीवुड के बारे में क्या होता है, नशे चलते हैं चलते हैं चलते हैं, आपने कहा हर जगह चलते हैं, कहाँ नहीं चलता। तो फिर मुझे समझ में आया डैट आपका जो नज़रिया है दुनिया को और इस पूरे यूनिवर्स को देखने का, वो एक नॉर्मल इंसान, मैं ही नहीं कहूँगा इवॉल्व है क्योंकि सबसे कंपेरिजन मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इट इज़ ऑन अ ब्रॉडर स्केल। मैं आपको बताता हूँ, हम सब नॉर्मल हैं जी, कोई भी ऐसा नहीं, मैं कोई अबनॉर्मल नहीं हूँ। हाँ। मैं आपको बताता हूँ, मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं करता जिससे मैं दुखी हूँ जी। अमूमन हम कंपेयर करके कुछ करके किसी की, आप देखिए, आप किसी की बुराई करिए, पेट भर के बुराई करिए, उसके बाद आपको अच्छा फील नहीं होगा, सही है, लेकिन अब बिटर टेस्ट रहेगा। ऑन दी अदर हैंड, मैंने पता है क्या देखा है, मैं इस मौके को वाह कहता हूँ, बहुत वाह का इस्तेमाल करता हूँ, मजा आ गया, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के इस मौके को वाह कह रहा हूँ। अरे यार तू इसमें ठीक है, वाह तो वहाँ होगा, वहाँ तो भाई तो वेट करता रहेगा, मत कर, इसी मौके को वाह कह, इसी चीज को वाह कह, और तब आप देखेंगे ये बंदा जो इस मौके पर आपके पास है वो भी अमेजिंग है। तो बेसिकली मैं यकीन रखता हूँ एक्सीलेंस में, मैं कहता हूँ बी अमेजिंग इन योर वर्क, बिल्कुल, मैं आई एम अ हार्डकोर प्रोफेशनल। आपको पता है कि मैं आज भी इंटरव्यू में वक्त से पहले पहुंचाऊं, बिल्कुल, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम अमेजिंग एट माय वर्क, ओके, आई विल बी अमेजिंग एंड आई एम पैशनेट अबाउट इट, क्यों ना हूं मैं, मेरी जिंदगी है ना दोस्त। तो जब आप, व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट योर वर्क, उसके बाद आपको टाइम है कि कोई क्या कह रहा है आपके बारे में, सच बात है, कोई वर्दी। सो इस उम्र में जब मैंने अपने आप को सडनली पाया, दो साल ढाई साल पहले मैंने सोशल मीडिया डिस्कवर किया यार, उसके पहले मैं था ही नहीं। अब मेरे कहीं आप इंस्टाग्राम देखेंगे तो आपको लगेगा सिर्फ खाना ही खाता है, ठीक है, उसी जगह आप लिंक्डइन देखेंगे तो कह रहे हैं तो मोटिवेशन टॉक्स करता है, उसी जगह आप यूट्यूब देखें तो कह रहे हैं ये तो ट्रैवल व्लॉग्स करता है, उसके बाद अभी किल रिलीज हुई है तो, और उसके ही पहले तीन और चीज़ें रिलीज, रणनीति रिलीज हुई, उसके पहले सनफ्लावर रिलीज हुआ, ये जो सब भी आ रहे हैं ये सब वो एक्टिंग का हिस्सा है। लेकिन मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई एम एक्साइटेड अबाउट लाइफ, 4:45 उठ जाता हूँ यार, उसके बाद मेरी टीम चाहे सो भी रही हो, मेरे वॉइस नोट्स जाते हैं, मैं नोट्स भेजता हूँ ये आज करना है, जल्दी सो जाता हूँ, 9:30-8 के बाद मैं किसी से मिलता नहीं हूँ, बैड न्यूज़ आफ्टर दैट, नींद आ जाती है, मैं सो जाता हूँ। जिंदगी में ना एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करिए कि आप सदैव मूल्यवान रहें। हम सब चाहते हैं ना कि लोग हमारी इज्जत करें जी, सब लोग चाहते हैं जी। लोग इज्जत कब करते हैं? जब आप उनकी लाइफ में कुछ इजाफा करते हैं, बिल्कुल ठीक है, जब आप कुछ ऐड करते हैं, नहीं तो होता ना ठीक छोड़ना, अभी पहले था, अभी जो पहले था नहीं होना है, आपको अभी था। तो मैं अभिनेता, उसके बाद 11 भाषाओं में अलग अलग अभिनेता, उसके बाद री इन्वेंट किया अपने को, मोटिवेशनल स्पीकर बन गया, अब फिल्म के अलावा मैं लोगों को मोटिवेट करने लग गया, क्योंकि मैं बातचीत करना पसंद करता हूँ, मैं पॉजिटिविटी खुद जीता हूँ, तो मैंने वो शेयर करना शुरू किया, तो आई क्रिएटेड अ न्यू एवेन्यू टू बी वैल्यूएबल। उसके बाद सोशल मीडिया के आकर मैं अपने वैल्यू और बहुत सारे लोगों को ऐड कर पाया, लोग आपको जान पाए और जान पाए, उनके ज़िंदगी में कुछ इजाफा कर पाया जी। मैं अब छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स, छोटी छोटी जगहों पर जाके उन पर व्लॉग बनाता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। अभी हिमाचल में आया, एक मैगी की दुकान है वहाँ पर उसने मेरी फ़ोटो लगा रखी है, एक सोलन में गया वहाँ पर एक ये बंद समोसे की दुकान है, उन्होंने फ़ोटो लगा रखी कि कहीं उनके उस रील से उनको फ़ायदा हुआ। आप जो देखते हैं रेस्टोरेंट जिनके बहुत नंबर्स होते हैं, उनको फ़ायदे होते हैं, बिल्कुल, वो बड़ी दुकान हो या छोटी दुकान हो, मैं छोटी छोटी दुकानों में जाके वो करता हूँ, तो इट इज़ ग्रेट, आई एम एडिंग वैल्यू टू समबडी, किसी और को खुशी दे रहा हूँ, किसी और को कह रहा हूँ पता है आप इधर आएंगे ना, इस सड़क के बाईं तरफ एकदम इस बरगद के पेड़ के बिल्कुल सामने ये दुकान है, ज़रूर आइएगा। तो आई एम अ वैल्यू एडिशन टू पीपल्स लाइफ,
तो सर क्विकली कुछ फूड रिकमेंडेशन आपसे पूछ ही लेते हैं यार, कुछ जो भी आपके दिमाग में बताओ ना, कहाँ कहीं कहीं पे भी जब आपके, जैसे अगर आप मैसूर जाओ, मैसूर जाओ तो एक मैलारी डोसा जरूर खाना यार, मैलारी। अच्छा, अगर आप बेंगलुरु जाएं जी तो मेरे नाम का रेस्टोरेंट है विद्यार्थी भवन, जरूर जाएं। अच्छा, और हिमाचल अगर आप जाएं, हिमाचल में आपको बताता हूँ चाचू के पराठे, अरे गजब है भाई चाचू के पराठे। ये बरोग बरोग के रास्ते में है, वो गजब की जगह है, वो अच्छा जोन है, वो पराठे बड़े अच्छे हैं। और एक तो ऐसे में कई सारे ढाबे हैं जो मुझे जो काफ़ी पसंद है। अगर कलकत्ता में आए तो मेरी वाइफ का ही कैफ़े है, बहुत अच्छा है, उसका नाम है अच्छा नारू मैग कैफ़े। ओके, ये सदर्न एवेन्यू में बहुत अच्छा है। अगर आप बिरयानी खाना चाहें तो अरसलन की बिरयानी मेरी एकदम फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कलकत्ते में। कलकत्ते का एक और है फ्लूरीज, मुझे बहुत पसंद है, आई लव फ्लूरीज। उसके बाद महाराजा बोल के एक जगह है जहाँ पर बहुत बढ़िया कचौरी मिलती है, कलकत्ता में, दिल्ली कलकत्ता में, वो अच्छी चीज़ है। कलकत्ता में ही एक बहुत कमाल की इडली और साउथ इंडियन दुकान है, उसका नाम है उडुपी कैफे। ओके, राउज उडुपी। ओके, उसमें अब्दुल कलाम जी भी गए हैं, उनकी भी फोटो लगी हुई है, पर बेहतरीन, मतलब दो तीन तीसरा जनरेशन वहाँ पर वो लोग बनाते हैं। हर जगह गजब की चीज़ें हैं यार खाना। मुझे तो अभी भी नाथू की जो ये है मुझे कमाल लगती है यार, उनकी चाट चाट ओहो गजब लगती है। और दिल्ली में सर कुछ, दिल्ली तो एक बंगाली मार्केट ये बता ही रहा हूँ। और दिल्ली में, दिल्ली में आप लोग मुझे बताओ यार, ज़रा मेरे इंस्टाग्राम में आप लोग मुझे मैसेज बताओ कि यार दिल्ली में बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं। हाँ, आप आए हैं तो जरूर आप, मतलब हाँ लास्ट जामा मस्जिद में जाके मैंने खाया था यार, खसब था यार करीम का, उफ दस्तरखान करीम यहाँ पर भी बहुत अच्छा है, निज़ामुद्दीन में वो बहुत अच्छा है। और पापड़ी मैंने, हाँ यूपीएससी में मैंने जाके खाई थी, वो सालों से वैसी है यार। अच्छा, अभी भी बहुत बढ़िया लगी, अभी भी लाइन लगती है, बहुत अच्छा लगा वो। तो ये सब का मिक्स है सर। एक बात और याद आ गया, भंडारा रोड में गुलाटीज, बटर चिकन। और सर एक एक झगड़ा हमेशा से रहा है, हैदराबाद की बिरयानी वर्सेस लखनऊ की बिरयानी वर्सेस और भी एक दो जगह की फेमस है, रहीम की निहारी भाई साहब हमारे लखनऊ में, ओहो हो अरे यार मुंह में पानी आ रहा है मेरे भाई। तो इसमें मत पड़े, जहां पर जाए वहां की बिरयानी को चेपे, समझ चेप दो आप। लखनऊ जाता हूँ तो वहां की बिरयानी चेपता हूँ, टुंडे का चेपता हूँ, कलकत्ता जाता हूँ वहां की बिरयानी चेपता हूँ। तो जहाँ पर जैसे बम्बई की बिरयानी का भी अलग ही जोन है। अच्छा, अरे अरे उसका भी अलग जोन है, अलग है, कंपेयर मत करो, कंपेयर नहीं करें, जहाँ पर हो वहाँ का उड़ाओ। तो थोड़ा सा एक आपके मोटिवेशन वाले जोन में आते हैं सर। मुझे कई लोग जब पूछते हैं कि यार ये मोटिवेशन स्पीकर करते क्या है, भाई वो तो वही बोलते हैं जो हमें ही पता है, और कहीं ना कहीं बात भी सही है, लेकिन तब भी मोटिवेशन स्पीकिंग अपने में एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है, मार्केट भी है, और उसमें बहुत बड़े बड़े लोग इंक्लूडिंग यू आप भी काम कर रहे हैं। तो ऐसा एक मोटिवेशन स्पीकर क्या कर देता है जो मतलब एक घंटे में या दो घंटे में जो बाकी लोगों को नहीं पता। तो लोग मुझसे कई बार पूछते हैं कि एक घंटे के इससे हमको क्या फ़ायदा है। ऑब्वियसली कुछ फ़ायदा होता है तभी लोग बार बार बुलाते हैं, अलग अलग लोग बुलाते हैं। सबसे पहले बात यह है उम्मीद, जिससे हमारी बात शुरू हुई थी। देखिए दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप वही ऐसी कोई चीज़ है, हर चीज़ आप अमूमन जानते हैं, लेकिन तार जुड़ने बहुत ज़रूरी है जी। जैसे मैंने आज जो आपको बात कही, आप उम्मीद अपने लिए रखिए, दूसरों को डिस्मस मत करिए, आपको फ़र्क इमीडिएटली पता चल जाएगा। अगर आप सिर्फ इस चीज़ में जुड़ जाएं कि आप क्या करना चाहते हैं, उसको करने का तरीका ढूंढें, दैट्स इट। आप चाहे इस वक्त एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसका आपके छोटू से सपने से कोई लेना देना नहीं, फिर भी आप दिमाग से सोच लीजिए ये मेरा जरिया है वो करने का, तो तब आप देखेंगे कि आप अपने इस पल को ना जीवंत भाव से कहेंगे नहीं बॉस, चाहे तेरे को नहीं दिख रहा है कि मैं वो करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं बढ़ उसी तरफ रहा हूँ। और इंटरेस्टिंग चीज़ पता क्या होती है,
आप जब निकल पड़ते हैं एक जर्नी पर, अपने को देख पाते हैं कि मैं एक जर्नी में हूँ, तब आपको कई नई चीज़ें डिस्कवर होती हैं। एब्सोल्युटली सर। तो मैं पता नहीं कैसे मोटिवेशन में आया, क्योंकि मैंने खुद को मोटिवेट करना चाहता था, उसके बाद दूसरों को करना शुरू किया, वहाँ से करते करते सोशल मीडिया पहुँचा, सोशल मीडिया पहुँचते पहुँचते स्टैंड अप कॉमेडी दिख गया जी। मगर अगर आप सोचे मैं पहले से करना चाहता था, बिल्कुल नहीं। तो एज यू कीप मूविंग न्यू होराइजन्स अपीयर, अरे ये भी है, अरे ये भी है। नाउ चूज द थिंग्स दैट इंस्पायर यू। बहुत ज़रूरी है कि हम वो चीज़ करें जो हमें इंस्पायर करता है। एक सवाल हो सर, भगवान पे यकीन करते हैं? फाइनल सर, बहुत ज़रूरी है। भगवान पे यकीन करते हैं सर? बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना है, कहते हैं ना किस्मत भगवान भगवान का लिखा जी है कुछ, लेकिन उसके साथ साथ फ्री विल है कि जैसे किस्मत से मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, यहाँ पर आमने सामने बैठ गया जी। अब हम और आप क्या कह रहे हैं, ये हमारा फ्री विल है कि मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ। यहाँ पर बैठ के मैं कुछ और भी कह सकता था, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट फिर कुछ लिखा है वो होगा, और उसके अंदर फिर मैं अपना कुछ करूँगा। तो जो मैं सांस ले रहा हूँ, ये ऊपर वाले की वजह से है, किसी की वजह से, जिसके बारे में कोई समझ नहीं है मुझे, लेकिन ये सांस के बाद जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ क्या कहते हैं, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इसलिए अपने इस सांस को शुक्रिया कहेंगे लीजिए, क्या बात है, है ना। और इसलिए से अमेजिंग थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, से अमेजिंग थिंग्स अबाउट अदर्स, एंड जिंदगी अनफेयर है, फेयरनेस मत ढूंढिए, ऊंच नीच है, अच्छा बुरा है। अब अपनी जिंदगी से कुछ अच्छा करिए, ताकि अच्छाई की मात्रा कुछ बढ़ सके। वाह सर, के साथ बात तो मतलब मन करता है कि और सीखते रहे करते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे समय सर का जो है वो एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है। लेकिन आई होप आप ये पॉडकास्ट करने का दोस्तों वजह सबसे बड़ी ये थी, मैंने कोई भी सर से फिल्म रिलेटेड और कॉन्ट्रोवर्सी सब सवाल इसलिए नहीं पूछे बिकॉज बहुत कुछ ज़्यादा है सीखने को। वो सेंसेशनलाइजेशन इज़ नॉट द कोर हेयर, कोर ये है कि अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप 5% भी अगर पॉजिटिविटी यहाँ से लेके जा सकते हैं तो हम शायद काम को कर दें। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, इट वॉज जेन्युइनली वेरी गुड टॉकिंग टू यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली इंटरेक्शन। ढेर सारा प्यार आप सबको। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।